तो आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पर रेस्टोरेंट जैसे टेस्टी क्रिस्पी और चटपटे गोभी मंचूरियन कैसे बनाएं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं खाने में और इस रेसिपी को देख के कोई भी ऐसे टेस्टी गोभी मंचूरियन घर पर बना पाएगा। आप ट्राई कीजिए, आपके जो गोभी मंचूरियन है एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो एक और बनाना तो बनता ही है, तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गोभी का फूल लिया है। सबसे मेन होता है इसकी कटिंग करना। तो देखिए गोभी को आपने ऐसे ही काटना है, जो इसके डंठल होते हैं ना उनको आपने साथ में नहीं काटना है, इसके बस आपको इसके फूल ही फूल चाहिए होंगे, क्योंकि जब इनको फ्राई करते हैं ना तो इसके जो डंठल हैं वो पकते नहीं अच्छे से। और जो बड़े बड़े फूल हैं ना इसमें, उसके आपने एक के दो पीस या एक के चार पीस कर लेने हैं, क्योंकि गोभी के ऊपर जब बैटर की कोटिंग चढ़ती है तो ये फ्राई होने के बाद और बड़ी हो जाती है। तो आपने भी इसी साइज में गोभी को काटना है, इससे ज़्यादा बड़े पीसेस ना करें। अब हम गोभी को ब्लांच करेंगे। तो पानी देखिए बॉयल हो चुका है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और कटी हुई गोभी भी इसमें ऐड कर देंगे। गोभी को हमने ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड तक ही बॉयल करेंगे, ताकि गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसको फ्राई करने में टाइम कम लगे। तो देखिए जैसे अच्छी तरह से एक बॉयल आता है तो गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इससे ज़्यादा बॉयल मत करना, नहीं तो आपके जो गोभी मंचूरियन है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, फिर आप बोलेंगे शेफ आपने बताया नहीं था। अब हम गोभी को फ्राई करने के लिए बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और 3 ही चम्मच इसमें मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, साथ में डालेंगे इसमें एरोमेट पाउडर। इनको पहले एक बार अच्छे से मिला लेना हमने, फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। गोभी मंचूरियन का जो बैटर होता है ना थोड़ा सा पतला रहता है, ताकि गोभी के ऊपर जो परत चढ़े बैटर की थोड़ी सी पतली रहे। तो देखिए अच्छे से आपने इसको मिला लेना है। बैटर थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए कि हमारा जो बैटर है ना ऐसा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ठीक बैटर ना बनाएं। तो गोभी भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो गोभी को हमने बैटर के साथ अच्छे से मिला लेना है। पतला बैटर हमने तभी बनाया था ताकि गोभी के साथ अच्छे से कोट हो जाए। फिर हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच और कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं इसमें। कॉर्नफ्लावर हमारी गोभी को अच्छी क्रिस्पी बनाएगा। तो देखिए अच्छे से कॉर्नफ्लावर को आपने मिला लेना है। अगर आपको लगे कि कोटिंग थोड़ी कम हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। अब हम गोभी को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम होना चाहिए। गोभी को ज़्यादा हाई टेम्परेचर में फ्राई ना करें, नहीं तो गोभी के बाहर से एकदम से कलर आ जाएगा और गोभी अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए एक एक करके मैंने आधी गोभी को फ्राई करने के लिए डाल दिया है और इसमें बीच बीच में आपने गोभी को हिलाते रहना है ताकि गोभी नीचे से जले ना। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, आपके जो गोभी मंचूरियन है सेम रेस्टोरेंट जैसे ही बनेंगे। तो ये देखिए हमारी जो गोभी है वो फ्राई हो चुकी है। अभी मैंने गोभी को 70-80% ही फ्राई किया है। एक बार हम इसको फिर से डीप फ्राई करेंगे। पहले हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जैसे ऑयल थोड़ा हीट हो जाए फिर इसमें ऐड करेंगे चॉप गार्लिक। ये तो आपको पता ही होगा कि चाइनीज़ खाने में अगर अच्छा टेस्ट लाना है तो गार्लिक की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो गार्लिक को आपने पहले अच्छे से पका लेना है। तो देखिए गार्लिक हमारा अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप ऑनियन, चॉप जिंजर डालेंगे थोड़ा सा और चॉप ग्रीन चिली भी मैंने साथ में ही ऐड कर दी है इसमें। अब हमने इनको भी थोड़ा सा हाई फ्लेम में पका लेना है। इनका जो कलर है वो ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना है, बस आपने इनको हाई फ्लेम में थोड़ा सा टॉस कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए जैसे प्याज का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू होता है तो फिर इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम और बेल पेपर। अगर आपके पास रेड येलो कैप्सिकम ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसमें ग्रीन कैप्सिकम डाल दीजिए। तो इनको भी हमने हाई फ्लेम में थोड़ा सा टॉस कर लेना है। तो इससे ज़्यादा हमने सब्जियों को नहीं पकाना है, नहीं तो सब्जियों का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसमें ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच डार्क सोया सॉस का यूज़ किया है। सोया सॉस को हमने हाई फ्लेम में थोड़ा सा पका लेना है। ऐसे में पकाने से डार्क सोया सॉस में बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। तो ये देखिए सोया सॉस भी हमारी यहाँ पे पक चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी का यूज़ आपने बिल्कुल कम करना है, क्योंकि गोभी मंचूरियन हम ड्राई बना रहे हैं, अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, एरोमेट पाउडर डालेंगे और साथ में डालेंगे यहाँ पे सीजवाइन सॉस। अगर आपके पास सीजवाइन सॉस ना हो तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं। और 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे टोमेटो केचप,
वैसे टोमेटो केचप का यूज़ मंचूरियन में नहीं किया जाता है, हम शुगर का यूज़ करते हैं, बट टोमेटो केचप से भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। तो देखिए सॉसों को मैंने अच्छे से पका लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो मैंने आधा छोटा चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लावर दिया है और उसको पानी के साथ हमें अच्छे से मिला लेना है। कॉर्नफ्लावर आपने बिल्कुल कम डालना है, इसकी ज़रूरत हमें तो पड़ रही है ताकि जो मसाला है ना गोभी को अच्छे से पकड़ ले। तो ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर भी इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारा गोभी मंचूरियन का जो मसाला है ना बन के तैयार हो चुका है। अब जो गोभी है ना इसको भी हमने हाई फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, क्योंकि गोभी को हमने पहले 80% तक ही फ्राई किया था, और जब भी हम किसी फ्राई चीज़ को दोबारा से डीप फ्राई करते हैं तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनती है। चाहे आप पकौड़े बना लीजिए, गोभी मंचूरियन बना लीजिए, चाहे वेज मंचूरियन, कुछ भी आप बनाएंगे तो उसको दोबारा से एक बार डीप फ्राई आपने जरूर करना है। ये स्टेप मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं एक साइड में गोभी को डीप फ्राई करते हैं और दूसरी साइड में गोभी मंचूरियन का मसाला बनाते हैं, उसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो ये देखिए गोभी में अच्छा कलर आ चुका है और अच्छे से आपने ऐसे इसको फ्राई कर लेना है, तभी आपके गोभी मंचूरियन एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगी, कुछ सेकंड तक हमने इसको हाई फ्लेम में टॉस कर देना है और गर्मा गर्म हमने इनको सर्व कर देना है। गोभी मंचूरियन को खाने का जो मज़ा आता है ना गर्मा गर्म ही आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।